आप उसका ड्रग टेस्ट और ये सारे टेस्ट वगैरह कोर्ट को कहीं करवाइएगा। मेरा ख्याल है कि कोर्ट में जो ही मेरी बेटी प्रोड्यूस होगी उसी वक्त उसके मेडिकल और ये ड्रग टेस्ट और इस किस्म के टेस्ट वगैरह जो हैं वो तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि बच्ची को किस किस्म के नशावर चीज़ें दी गई हैं। एथिकली ये जिस किस्म की हरकतें ये लोग कर रहे हैं इनसे किसी भी नवीयत की वीडियो, चूँकि मेरी बेटी उनके कब्ज़े में है और वो इस किस्म की कुछ भी वीडियोज़ से रिलेटेड लेके बनवा सकते। मेरा ख्याल है उन्हें अपनी उन्हें जो है वो शर्मो हया से तो उनका कोई ताल्लुक है नहीं, तो वो कुछ भी कोई भी चीप शॉट खेल जी सकते हैं। तो एवरी पॉसिबल चीप शॉट, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ बीइंग ए फादर, लेकिन देखिए मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ, मुझे जो है कि मैं बीइंग ए फादर हर किस्म की इनकी चीप शॉट्स के लिए रेडी हूँ और मैं इन्हें किसी भी सूरत छोड़ूंगा नहीं। ये कोर्ट में प्रोड्यूस मेरी बेटी तो होगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन ये इसमें जितने जितने किरदार जहाँ जहाँ जिस जिस हैसियत से मुलव्वस रहे वो सब सब कोर्ट में आएंगे। एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे वो किरदार यूनिफॉर्म में हो चाहे वो किरदार नॉन यूनिफॉर्म में हो। अब ये किसको पॉइंट आउट हुई है बात वो बखूबी समझ गया, वो कोर्ट में आएगा और मेरा ख्याल है कि लांडी जेल उन सब का मुकद्दर है और बड़ी माशाल्लाह कोर्ट इसको जितना सीरियस लेकर चल रही है और पुलिस भी इसके लिए जो एफर्ट्स कर रही है और जितनी अब जैसे एजेंसीज की भी मदद तलब कर ली गई है, तो 100% जो है वो मेरी बेटी तो बाज़याब होगी। सेकेंडली मैं वीडियो के ऊपर वापस आऊँ, वीडियो में जिस तरीके की ख़वातीन मौजूद हैं, कहाँ हैं बच्चे की बच्चे के इनलाज कहाँ हैं और ये लोग किधर हैं, इन लोगों को सामने आना चाहिए। अगर इन लोगों को जो है वो सामने आना चाहिए और सामने ये जो वीडियो में जो खातून बैठी हुई थी ये को फैमिली से रिलेटेड तो खातून लगनी जो भी है, प्लस उसकी एडिटिंग जिस तरीके से एडिटिंग की गई ये आप सब जो हैं वो बखूबी समझ सकती हैं, क्योंकि आपकी तो ये फील्ड है। और इन करें जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हों चाहे वो सोशल मीडिया से हों, उन सब ने इस वीडियो के बाद कहा कि यार ये तो एक एडिटेड वीडियो है और इसमें जिस तरीके से उसे एडिट किया गया है। अच्छा, इनकी एक यही वीडियो की बात नहीं हो रही, इनकी जितनी भी वीडियोस हैं चाहे वो निकाह वाली हो, जैसे इन्होंने वो एक चोरी छुपे बना के अपनी तरफ से पेश की कि इतने ही सच्चे थे तो निकाहान का चेहरा दिखाते, उस पूरी वीडियो के अंदर पूरे लोग दिखाते कि वो कौन कौन लोग थे। डरते क्यों भाई, जो हो सामने आओ, मैं तो हर तरीके से सामने हूँ, आप लोग भी सामने आओ और आकर फेस करो। फिर इनकी 15 तारीख की वीडियो, वो भी एडिटेड वीडियो थी, कट करके लगाई गई थी, ये बर्थडे सेलिब्रेशन वाली वीडियो के शो ख़त्म हुआ, ये शो मैडम ख़त्म नहीं हुआ, शो तो अभी शुरू हुआ है और अब जो इनका शो शुरू होगा कोर्ट के अंदर वो पूरी दुनिया